23 दिसंबर को मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS इम्फाल से जुड़े एक इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि जब से भारत आ रहे जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई है, तब से हमने समुद्री इलाकों में पहले से ज्यादा निगरानी बढ़ा दी है। हमला करवाने के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, उन सभी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा, जहाज पर हुए हमले को भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। फिलहाल MV कैंप प्लूटो और साई बाबा जहाज पर हुए हमलों की जांच की जा रही है और इन हमलों के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें समुद्र की गहराइयों से ढूंढकर निकाला जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें, 23 दिसंबर को हिंद महासागर में मालवाहक जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज जापान का बताया जा रहा है और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। अमेरिका के रक्षा विभाग की ओर से दावा किया गया था कि जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन की ओर से किया गया है, तो वही दूसरी ओर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बगेरी ने हमले के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से जो हमला करने का दावा किया गया है वो साफ साफ झूठ है। मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद भारतीय नौसेना की ओर से एक ठोस कदम उठाया गया। इस दौरान नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसमें INS मैरमुगाओ, INS कोलकाता, INS कोची युद्धपोत शामिल है। इन युद्धपोत के अलावा अरब सागर के इलाके में निगरानी बनाए रखने के लिए P-81 विमान को भी तैनात किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैंप प्लूटो जहाज में 21 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 20 मेंबर भारतीय थे और एक मेंबर वियतनाम का था। सोमवार को कैंप प्लूटो जहाज जब मुंबई के तट पर पहुंचा, तब नौसेना ने इसकी जाँच की थी। जाँच के दौरान नौसेना ने बताया कि जहाज पर जो मलबा मिला है, उससे इस बात की साफ पुष्टि होती है कि उस पर ड्रोन से हमला किया गया था। बता दें, जांच पूरी हो जाने के बाद जहाज से सामान को शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद जहाज में हमले के दौरान हुए नुकसान को मरम्मत करने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कंपनी को भेज दिया जाएगा। बता दें, कैंप प्लूटो और साई बाबा जहाज की फॉरेंसिक जाँच भी की जाएगी, जिसमे ये पता लगाया जाएगा कि हमला कितनी दूर से किया गया था, कौन से विस्फोटक से किया गया था, और अगर ये हमला भयावह रूप ले लेता तो ये हमला हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।